किधर से? गली से पकड़ के लाया है? गली से। तो ये बीमार है या क्या है इसको? सही है, बच्चा ही है लेकिन अभी छोटा। उड़ा नहीं जा रहा है, इसके पर पे चोट लगी हुई है। हटी सीधा कर। पापा नहीं, इसके पर उतरे हुए यहाँ से। तो काट रहा है? नहीं का, तो फिर गर्दन क्यों पकड़ी हुई इसकी है? काटा इसने एक दफा यहाँ पे अंगूठे पे मेरे पकड़ते हुए, डरा हुआ शायद से। छत पे लेके जाओ, पिंजरे में डालते हैं, मैं आया बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। बजी आया गली में और रेहान उसको पकड़ के ले आया है। कहाँ रखे हैं? बाहर लेके आओ, बाहर लेके चलो। मैं इनकी दिखा के ना, और गोल्डियन की फीमेल ये मटकी के अंदर ही बैठी हुई है। खुद ही आपने डाला है दोस्तों? इनको तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, दाना शाना दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, बल्ब मुसलसल चल रहा है। दूसरी तरफ ये इनक्यूबेटर में भी बल्ब चल रहे हैं मुसलसल। अंडों की हवा। पापा मैं कर रहा हूँ, कल रात किया था मैंने। रात को किया था? हाँ। मुझे भी बता दिया करो भाई, अगर चेंज कर दो ना मुझे बता दिया करो। मैं समझे रात को आपने नहीं किए। चलो भाई, शीट वगैरह आप उतार के गए हो? हाँ। इसको ये देखे जी दोस्तों, ये बजी पकड़ के लाया है यान। यान, ये बच्चा है या बड़ा है? बच्चा है अभी। डर रहा है? उए, उए, ये कैसे पकड़ लिया फिर आपने? पापा ये दीवार पर रख के नीचे गिरा था, वो इससे ज्यादा नहीं उड़ा जा रहा। बस कोई इसको ना वो हुआ होगा मसला ना, इसको रखो थोड़े दिन। हाँ। डराना नहीं है, अगर टेम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं टेम होता तो ये साथ बाजी को दे दो, उनके पास बहुत ज्यादा है ना। अब मैं टेरेस में रखूंगा इसको। नहीं भाई ठंड है, टेरेस पे रखूंगा। ठीक है। अब ऐसा करो मुर्गे खोल दो। मुर्गे मैंने छोड़ा है गली में, छोड़ दिए। वाइट भी कुड़क वाली मुर्गी को, कुड़क वाली मुर्गी को निकालते हैं। इसको आप रात को भी दाना डालते हो? रात को? हाँ। नहीं। चलो। चिड़िया इसकी दोस्त बनेगी। किसकी? बजी की? हाँ। हो सकता है ना यार, ये काफी ऐसा हो सकता है कि काफी दिन से बाहर फिर रहा और चिड़ियों से इसकी दोस्ती हुई भी हो। कबूतर खोल देते हैं पहले, इसको मुर्गी को उठाते हैं। चलो चलो इसको बाहर छोड़ के। अंडे माशाल्लाह सारे ठीक है, हीट भी ठीक दी होती है इसने। यार इतना नहीं डालना, मैं रोज ना थोड़ा सा डालता हूँ, देखो ये खत्म कर देते हैं। बस ठीक है, रोज के रोज खत्म करें ना, ये फिर कचरा भी ज्यादा नहीं होता। क्या पोजीशन चल रही है यार? ये छोटी फिंचिस वगैरह कोई अंडे शंडे बेंगलाई नहीं दे रही मुझे लग रहा है। क्या होगा? गर्मियों में सीजन होता होगा इनका। यार तो गर्मियां ही हैं, ये देख कैसे आ रही है। आज तो कॉकटेल की फीमेल निकली हुई है, ये देख ले दोस्तों, फीमेल ये वाली है। इसका मुंह ना ग्रे कलर का फेस, कॉकटेल के मेल का फेस जो है ना येलो कलर का। यान सब खाना डालो ना, और आज संडे है, मुझे याद नहीं रहा, नेक्स्ट सैटरडे मुझे याद दिलाना। संडे वाले दिन पता किधर चलेंगे? बस बस बस, क्या लेना है? वो देखो आ गई फौरन खाने के लिए। देखो देखो देखो, ठीक है मुझे पता है। नेक्स्ट संडे वाले दिन यान हमने ना जाना है इस्लामाबाद वाली बर्ड्स मार्केट। जी, इस्लामाबाद वाली बर्ड्स मार्केट चलेंगे, और वहाँ जो है ना हर संडे को आता है इंजी इब्राहिम। हाँ। इंजी इब्राहिम से मिलेंगे, कोशिश करेंगे इंजी इब्राहिम हमें मिल जाए। हाँ। उसका दोस्तों हम काफ़ी टाइम से जो है ना एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा। नहीं तो जाते उसके सेटअप पर, आपको दिखाते भी उसका सेटअप, खुद भी देखते। तो वैसे तो हमने काफ़ी देखा हुआ है लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं मिलने में आ रहा अभी। ये देखो जी, देखा कैसे आते हैं फिर खाना खाने का।
सारे उड़ के भाग गए। आज भी दोस्तों हमारे कबूतरों में उसने दे दिए हैं दोनों अंडे, ये देखें बैठी भी है। हाँ अभी अभी उठी है और वो नीचे एक सिंगल अंडा उसका तो बच्चा निकलने, वो उसने भी अंडा दे दिया। ये कौन सी है? वो दो अंडे दे दिए। ये पापा वो जो पकड़ी थी 3 महीने बाद, जो 3 महीने बाद वापस आई थी, इसने भी 2 अंडे दे दिए। मैं तो सोच रहा था इसका मेल बेकार है, ये ग्रे वाला मेल, मैं सोच रहा था ये इसके साथ अंडे देगी नहीं। इसने 2 अंडे कब दे दिए यार? पापा नेस्टिंग इसके लिए आप किधर से लाए? नेस्टिंग ये वाली दे देते इसको। हाँ ये वाली रख दे, ये भी खाना खाने बाहर निकलते हैं नजारे, थोड़ी नेस्टिंग रख दे। और ये ऊपर कालों की माँ जो है ना ये भी देगी अंडा लाजमी आजकल में। ठीक है बच्चे, आज देखो मैं इनको। आ जाओ आ जाओ, हाँ वाइट होगी पहले, फिर उसके बाद रेडिश हो जाएगी। ये अपने भाई की तरह बन जाएगा। ये उसका किंग का, डॉन का बेटा, डॉन का, डॉन का बच्चा है। ये खड़ा हुआ बहुत प्यारा लगता है। हाँ वो मिठू बोल रहा पीछे, ये पापा रखो नेस्टिंग आ गई है। हाँ नेस्टिंग भी रख, वो मेल जाके बैठ गया। वाह दोस्तों 2-3 दिन बाद खुले हैं, मजे ले रहे हैं, जरा कलाबाजियां मार रहे हैं। छूके जो है ना बारिश थी, खोला नहीं आपके सामने 2-3 दिन। कालों की माँ के पास भी 2 अंडे आ गए। ये तीनों बच्चे देखो जी दोस्तों, ये देखिए ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये 2 अंडे ये आ गए हमारे पास, दो नीचे और 2 अंडे यहाँ आ गए हैं। एक वहाँ नीचे, एक यहाँ नीचे आ गया है, और दो ऊपर, और 2 यहाँ पे आ गए। माशाल्लाह क्या ही बात है इस केज की, ये बरकतों वाला केज होता है हमारा। कॉकटेल के पास कितने होंगे कोई आइडिया है? ये भी देगी यहाँ ना आजकल में अंडे, ये जो जिसको फाल्कन ने अटैक किया था। दोस्तों काला बच्चा ये पीछे हमारे से ऊपर जाके बैठा हुआ है। आए जरा दाना डालते हैं और इसको सामने की तरफ लाते हैं। सारे कबूतरों को ही दाना डालता हूँ। ये भी आ गया, वो भी आ गया, सारे आ गए माशाल्लाह। और ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो क्या ही बात हुई भी है इनकी दोस्तों। हाँ है तो ये सही है, हमारा लकी केज है। पता को जाके बैठ गया इस पे अंडों पे। माशाल्लाह देखे दोस्तों कैसे आ रहे हैं सारे। और हमारे केज के अंदर माशाल्लाह खुशखबरियां आने वाली हैं आने वाले। इससे गर्मियां आने से पहले हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रीड ले लेनी चाहिए। हाँ फिर गर्मियों में इसके नीचे हम मुर्गियों के अंडे निकलवाते रहेंगे ना बच्चे। हाँ। मुर्गियों के बच्चे निकलवाएंगे, गर्मियों में जोड़े नहीं तोड़ेंगे, मुर्गी अंडा देगी साथ ही इसके नीचे। माशाल्लाह यार ये काला वाला बच्चा मुझे बहुत, पहले वो बड़ा काला मुझे प्यारा लगता था और अब ये वाला बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये अपने आप को फुल वाइट कर जाते हैं, समझ नहीं आती ये क्या सीन है। पापा इसके पिंक चोंच ब्लैक हो जाएगी। वो किधर गया इसका भाई बड़ा वाला? भाई उसकी ब्लैक है। हाँ ये रहा, ये रहा। लेकिन मेल का फर्क है ना, बाप दोनों की दफा अलग अलग था ना। दोस्तों इधर भी माशाल्लाह से सही जो है ना, ये देखें ग्रे वाला जो है ना वो आई हुई है फीमेल। दोस्तों एक 2 दिन में कोई
कोई दोस्त हमें बताए कि कॉकटेल कितने दिन में बच्चे निकालता है, ताकि हम फिर उस हिसाब से ना अंडों को एक ही दफ़ा अंदर घुस के देखें और उसी टाइम हम ना कैंडलिंग भी करें और फिर जो नन फर्टाइल होंगे एग उनको हम पारी कर देंगे ताकि वो इजीली सबको इनक्यूबेट करें। तो मैं कब इन उनको जो है ना अभी चार पाँच दिन हुए अंदर बैठते हुए हफ्ता हो गया है। तो अब तक अब मैं कैंडलिंग करूं या कब मैं देखूं कब कैंडलिंग करूं मुझे कोई मशवरा दे और कितने दिन में बच्चे निकलते हैं यान कोई आइडिया? 20 डेज कह रहा है ये यान दोस्तों, 20 डेज में कह रहा है अंडे निकलते हैं बच्चे निकलते हैं। दोस्तों बंद करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सबको आगे लेके जाके पापा ये तोड़ गए। आ गया डॉन कबूतर। वो ये उड़ रहा है, वो फीमेल है, इसको फाल्कन ने अटैक किया है। नहीं पापा ये वो तो ये फिर रही है, वो बच्चा है। कुत्ता ऊपर चला। डर रहे हैं दोस्तों, डर रहे हैं। आ जाओ बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। यार ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये ठक ठक ठक, ये तो अच्छा वही वाला है यार। ये लो यार पीछे हो जो। यार हवा इतनी तेज है, ठंडा मौसम है, इनको उड़ने की पड़ी हुई है। चलो अंदर हो जो। आ जाओ ऐसे तो नहीं अब छोड़ सकते, ये दो जो उड़ रहे हैं इनको नीचे उतरना होगा। तब तक थोड़ा थोड़ा दाना ऐसे ही डालना पड़ेगा तभी आएंगे नीचे। बस एक रह गया दोस्तों ये वाला, वो भी आ जाएगा। बस ठक 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 आवाज़ें तो कहीं से आ रही हैं। वो आ रहा है। ये देखें ये बैठ गया। उसका पेट शेट फुल है, उसे नहीं खाने की टेंशन। बाकी सबको डालता हूँ अंदर। ये आ गया दोस्तों, इसने तो ये थिएटर लगाया है, इधर से इधर। मैं आप दिखाता हूँ आपको, देखिए दो अंडे ये पड़े हुए हैं, ठीक है ये ठीक है, दो अंडे ये हो गए हमारे। और एक अंडा वो पड़ा हुआ नीचे, ठीक है इसमें से आजकल में बच्चा निकल आएगा। और दो अंडे ये पड़े हुए हैं, ठीक हो गए। और दो अंडे ये बड़े हुए हैं। अब ये कितने हो गए हमारे पास, 2, 4, 6 और एक इधर नीचे 7। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है हमारी, बल्कि ये जो फीमेल बैठी हुई है ये भी आज कल में अंडे दे देगी, फिर हमारे पास 8 और 1 9 अंडे हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी इधर प्रोग्रेस चल रही है। और अयान इनको पानी यार ज़रा इसमें से साफ करके ना और इसको चेंज कर दो।
दोस्तों आज की वीडियो हम अपनी इधर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।